ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर एक नहीं हमें बहुत सारे हमें कांड देखने को मिले। मैं आपको ए टू जेड में आपको शुरू से लेकर मैं आपको लास्ट तक बताने वाला हूँ क्या हुआ पूरे आज के मंडे नाइट रॉ पर। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें सीएम पंक के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि सबसे पहले इस बात को बोलता है ड्रू मैकइंटायर को जो चीज चाहिए था वो चीज फाइनली उसको मिल गया। आप गलत करते हो तो आपके साथ गलत होता है, जो कि ड्रू मैकइंटायर के साथ ऑलरेडी हो चुका है। फिर साथ ही साथ सीएम पंक यहाँ पर जॉन सिन्हा के रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को फिर से मैं बुलाना चाहता हूँ फिर से। तभी भाई हमें सामने से हमें सेथ रॉलिंस का भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि भाई आकर सबसे पहले वो सीएम पंक को रिंग के अंदर बुलाते हैं। सीएम पंक से पूछते हैं भाई तेरा क्या दुश्मनी है मेरे साथ, जब भी मैं मैच के अंदर रेसल करता हूँ तू मैच के अंदर आकर भसड़ मचा देता है। सीएम पंक बोलते हैं देख भाई उस मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर भी था जिसने मेरी वाइफ और मेरा कुत्ता दोनों को इन्वॉल्व कर लिया, तो इसलिए मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे सारा जो मतलब वो ड्रू मैकइंटायर से मतलब। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में भाई मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन में बन नहीं पाया, ना ही मैं डेवन प्रीस्ट को फिर से चैलेंज करूंगा, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। इस तरीके से भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने हिंट कर दिया शायद से ट्रिपल थ्रेड मैच आपको समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सेथ रॉलिंस के पास करंट में एक ही ऑप्शन है, सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के मैच के बीच में इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें डॉम डॉम देखने को मिलता है, जो कि एडम पियर्स से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज मेरा मैच मत करवा लिव मॉर्गन के साथ। मैं लिव मॉर्गन के साथ आज के शो के ऊपर मिक्स टैग टीम मैच में नहीं रेसल करना चाहता, तो इसलिए मेरा मैच मत करवा। भाई एडम पियर बोलते हैं अभी मैच ऑफिशियल हो चुका तो मैं इस मैच के बीच में कुछ भी नहीं कर सकता। और साथ ही साथ लिव मॉर्गन भी बोलती कुछ देर बाद कि बाबू कोई बात नहीं हम लोग मैच के अंदर संभाल लेंगे सब चीज। देन इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें सेमस देखने को मिलता है जिनका इंटरव्यू चल रहा है, और इंटरव्यू के बीच में मतलब आकर यहाँ पर ब्रॉन्सर उनको इंटरप्ट कर देते हैं जिससे भाई सेमस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सेमस इनको बोलने लगते क्या तुम्हें मैच मेरे साथ करना वगैरह वगैरह यहाँ पर बोलने लगते। ब्रॉन्सर रेड बोलते हैं कि आज के शो ऊपर मेरा जो मैच होने वाला तुम्हारे लॉन्डे बूच के साथ होने वाला, मैं उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके बाद सेमस मैं तुम्हें देखने वाला हूँ नेक्स्ट वाला मैच के अंदर। वैसे देन इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें चैट गर्ल का मैच हमें देखने को मिलता है जे उसो के साथ। एक्जेक्टली इस मैच के अंदर होता क्या भाई, फिर से अंकल हॉडी का अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है जिसके कारण भाई चैट गर्ल डर कर इस मैच के अंदर हार जाते हैं। सिर्फ वो हारते ही नहीं, जैसे सामने से निकी क्रॉस सामने से अपीयर होती है भाई वहां से धूम दबाकर चैट गर्ल भाग जाते हैं। भाई फिर से हमें अगेन वही सेम चीज देखने को मिलता है, यहाँ पर भाई निकी क्रॉस एक बॉक्स को लेकर आती है और लाकर भाई यहाँ पर कमेंट्री टेबल के ऊपर रखकर चली जाती है, और फिर अगेन वही सेम बॉक्स को दिया जाता है बैक स्टेज प्ले करने के लिए। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें ब्रॉन्सर रेड का मैच हमें बूच के साथ देखने को मिलता है। और भाई अगर हम लोग मैच का बात करें तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सा मैच था, 4 से 5 मिनट का हार्डली मैच चला। ब्रॉन्सर रेड इस मैच के अंदर बहुत आसानी से विन कर जाते हैं, ब्रॉन्सर रेड अपने विन को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी भाई सामने से यहाँ पर सेमस आते हैं, आकर भाई यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं ब्रॉन्सर रेड को, और ब्रॉन्सर रेड को भाई वहां से लिटरली वो भगा भी देते हैं, मतलब रिंग के नीचे वो गिरा देते हैं। भाई वो जैसे जाते हैं बुच के पास भाई हाथ मिलाने के लिए, इनका नाम पीटन भी शायद से है मुझे याद भी नहीं, तो पीटन जो होते हैं भाई इनसे हाथ नहीं मिलाते वहां से चले जाते हैं ऐसे, जबकि इनके अंडर ये पहले काम किया करते थे। तो देखते हैं भाई क्या स्टोरी चलता है। ऐसे मेरे ख्याल से सबसे पहले नेक्स्ट रॉक ऊपर आपको ब्रॉन्सर रेड का मैच आपको सेमस के साथ शायद से देखने को मिल सकता है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलता है, जो कि भाई यहाँ पर डेवन प्रीस्ट का तारीफ कर रहे हो। डेवन प्रीस्ट को बोलते हैं कि तुम एक अच्छा वॉरियर हो, तुम एक अच्छे रेसलर हो, तूने किसी भी जजमेंट के मेंबर को इन्वॉल्व नहीं किया था मैच के अंदर जैसा तूने बोला था। यहाँ पर डेवन प्रीस्ट बोलते हैं कि चल ठीक है भाई, अगर मैं गुंथर को हरा देता हूँ समर स्लैम के अंदर उसके बाद मैं तुम्हें फिर से एक मौका दूंगा। तो यहाँ पर भाई ये चीज क्लियर हो चुका है, अगर भाई डेवन प्रीस्ट समर स्लैम तक चैंपियन बने रहते उसके बाद तो भाई यहाँ पर फिर से सेथ रॉलिंस को एक मौका मिलने वाला है। आपको फिर सेथ रॉलिंस और डेवन प्रीस्ट के बीच में आपको एक और मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम के बाद। वैसे देन इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है, जो कि सारे लोग से यहाँ पर हाथ मिला रहे थे क्योंकि भाई वो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंस कर लिया। उसके बाद वो रिंग के अंदर जाते हैं, रिंग के अंदर जाकर सबको बोलते हैं कि मतलब सबको ऐसा लग रहा था ब्रॉन ब्रेकर को कोई हरा ही नहीं सकता, ब्रॉन ब्रेकर एक अनस्टॉपेबल बंदा है, पर मैंने ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिया, मैंने गुंथर को भी इससे पहले हराया था जिसको भी कोई हरा नहीं पा रहा था। वैसे भाई शो के बीच में हमें एक चीज और देखने को मिलता है, यहाँ पर भाई कोई कॉल करता है यहाँ पर डेवन प्रीस्ट, मतलब यहीं पर यह चीज कंफर्म हो चुका था कि आज के शो के मेन इवेंट के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर जरूर से अपना रिटर्न करने वाला है। भाई सैमी ज़ेन का जो सेगमेंट हो रहा था भाई वहाँ पर देन उसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलता है, और ब्रॉन ब्रेकर और सैमी ज़ेन के बीच में भाई थोड़ा सा बात होता है जहाँ भाई ब्रॉन ब्रेकर हंस रहे होते हैं सैमी ज़ेन के सारे बातों पर। फिर क्या था भाई, ब्रॉन ब्रेकर एक कमाल का स्पीयर यहाँ पर सैमी ज़ेन को फाइनली हिट कर देते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर भाई यहीं पर नहीं रुकते हैं। भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर सबसे ज्यादा टहलका यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ही मचाए, ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड के बाहर जाते हैं लगातार 2 या 3 बार भाई फिर से मारते हैं सैमी ज़ेन को। लास्ट में भाई यहाँ पर इलिजा ड्रैगनोव आते हैं, वो आकर भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन को सेव करते हैं, पर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के साथ उनका फाइट नहीं हुआ था। और हाँ इसके बाद डब्ल्यू वाले भाई आज के शो पर इलिजा ड्रैगनोव और ब्रॉन ब्रेकर का एक फाइट मैच भी यहाँ पर अनाउंस कर देती है, जो कि हमें आगे शो पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई और भी ज्यादा टहलका यहाँ पर मच चुका है। वैसे फिलहाल भाई इसके बाद बात करें तो भाई इसके बाद हमें शो पर हमें 6 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है। आप लोग सारे रेसलर का यहाँ पर नाम देख सकते हो भाई, एक टीम के अंदर यहाँ पर जजमेंट डे के सारे लोग थे, एक टीम के अंदर ब्रॉन ऑस्टिन था, यहाँ पर मिस थे और ट्रूथ थे। ये मैच जैसे स्टार्ट होता है भाई ब्रॉन ऑस्टिन इस मैच के अंदर फुल मूड में थे, सबको मतलब मारना शुरू कर देते हैं ब्रॉन ऑस्टिन, पर भाई एक्जेक्टली क्या होता है ब्रॉन ऑस्टिन भाई मारते मारते थोड़ा सा रिंग से बाहर चले जाते हैं, थोड़ा दूर हो चले जाते हैं, मुझे सही से याद भी नहीं, पर शायद से भाई इलिजा ड्रैगनोव को पीछा करते करते भाई बहुत दूर चले जाते हैं, और रिंग के अंदर भाई फाइनली यहाँ पर आर्ट्रूथ भाई अकेले बच जाते हैं, जिसके ऊपर भाई फिन बैलर अपना फिनिशर लगाकर इस मैच के अंदर आर्ट्रूथ को हरा देते हैं। और यहाँ पर भाई ब्रॉन ऑस्टिन की टीम का हार हो चुका था, फिन बैलर भाई सेलिब्रेट करते वहां से चले जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी और इनका लंबा चलने वाला भाई जजमेंट डे का 3-4 स्टोरी रन भाई करेंट है, मतलब उनका
चल रहा है। वैसे देन इसको नेक्स्ट वे शो के ऊपर हमें सीएम पंक फिर से देखने को बोलते हैं, जो कि भाई यहाँ पर बोल रहे होते कि तुम ड्रू मैकइंटायर को फिर से वापस लेते हो। यहाँ पर एडम पियर बोलते हैं भाई देख ड्रू मैकइंटायर अभी जस्ट फायर हुआ है तो उसको तुरंत वापस ला नहीं सकते, साथ ही साथ अभी करेंट टाइम तुम मेडिकली क्लियर नहीं हुए तो मतलब तुम मैच के अंदर फाइट नहीं कर सकते हो, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। पर हाँ इन्होंने साथ ही साथ इस बात को बोला ड्रू मैकइंटायर नेक्स्ट रॉक ऊपर आपको शायद से देखने को मिल सकते हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें डोमडोम का हमें आइकॉनिक मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ भाई लिम मॉर्गन भाई डोमडोम के पैर को स्ट्रेच कर रहे थे, पर भाई सामने से हमें जजमेंट डे के सारे मेंबर देखने को मिलते हैं। और जजमेंट डे के सारे मेंबर भाई यहाँ पर गांधी जी के चार पांच बंदर जैसा भाई छुप छुप कर सारा चीज को देख रहे होते हैं। भाई ऑलरेडी यहाँ पर डेवन प्रेस को पता था कि वह आज के शो के ऊपर रिया रिप्ली का रिटर्न होने वाला, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ डांटते नहीं है डोमडोम, सिंपल यहाँ पर फिन बैलर को बोलते हैं कोई भी नहीं बच्चा संभल जाएगा। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें अंकल हॉडी देखने को मिलते हैं भाई, जिनका मतलब वही सेम ड्रामा सारा चीज होता है भाई, वही अपना फैमिली वाला पूरा स्टोरी सुनाते हैं, बहुत सारे हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ग्लिच हमें वीडियो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भाई ज्यादा कुछ बताने का बात नहीं, मतलब तीन हफ्ता से लगातार सेम यही चीज रिपीट हो रहा है। पर हाँ कुछ यूनिक चीज भी हुआ है जिसको हम लोग जस्ट आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। वैसे जैसे वीडियो पैकेज खत्म होता है सामने से हमें चैट केबल देखने को मिलते हैं, जो कि भाई यहाँ पर एडम पियर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। एडम पियर को बोलते हैं कि तुम वीडियो के अंदर देख रहे हो साफ तरीके से अंकल हॉडी मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे और भी सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पर एडम पियर बोलते हैं चलो ठीक है भाई मैं तुम्हें और भी सिक्योरिटी दूंगा, पर भाई यहाँ पर चैट केबल बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। और सडनली क्या होता है भाई एडम पियर अपने लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं, पर भाई सामने ऑलरेडी यहाँ पर अंकल हॉडी बैठे हुए थे। वो डेलेस को इतना छोटा टाइमिंग में यहाँ पर दिखाया गया कि भाई मैं सही से देख भी नहीं पाया था। वैसे भाई अब आप लोग साफ तरीके से यहाँ पर देख सकते हो बो डेलेस भाई यहाँ पर मतलब रूम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए थे एडम पियर से बात करने के लिए। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें डैमेज कंट्रोल देखने को बोलते हैं, जो कि भाई इनका पूरा बिग प्रोमो सेगमेंट जैसा कुछ था। यहाँ पर भाई योशिकाई बात कर रही होती कि डैमेज कंट्रोल के अंदर एक चेंज होना चाहिए, डैमेज कंट्रोल को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। और इसी तरीके से भाई हमें डैमेज कंट्रोल के सारे मेंबर का यहाँ पर हमें प्रोमो देखने को मिलता है। और देन उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट शो के ऊपर हमें ब्रॉन ब्रेकर का हमें मैच इलीजा ड्रैगनोफ के साथ हमें देखने को मिलता है। और ये मैच भाई अपने आप में काफी कमाल का मैच था, पर मेरे ख्याल से मैच भाई 5 मिनट ही चला गया, फिर 10 मिनट ही मैच चला होगा। मैच ही चल ही रहा होता भाई अचानक बीच में क्या देखने को मिलता भाई, इलीजा ड्रैगनोफ का पूरा पैर ही फट चुका है लिटरली। तभी भाई इंस्टेंट इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म करना पड़ता, पर भाई उसके बावजूद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर अटैक कर रहे हैं। सैमी जेन इनको बचाने के लिए आता है, पर भाई ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर सैमी जेन के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, दोनों को निपटा देते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ भाई आपको नहीं फील हो रहा होगा, पर भाई ब्रॉन ब्रेकर का बहुत ज्यादा आतंक हमें आज के रॉक ऊपर हमें देखने को मिला। लिटरली भाई आज के शो के ऊपर ये कुत्ता जैसा इलीजा ड्रैगनोफ और सैमी जेन को दोनों कुत्ता जैसा मतलब मारे हमारे ब्रॉन ब्रेकर। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें डैमेज कंट्रोल का हमें 6 मैन टैग टीम मैच आज के रॉक ऊपर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ भाई इस मैच के अंदर क्या होता है। भाई ये मैच तो ऐसे बकवास था भाई, 2 या 3 मिनट ये मैच चला था। डैमेज कंट्रोल भाई बेसिकली इस मैच के अंदर विन कर जाता, पर भाई जैसे सेलिब्रेट कर रहा था इनके ऊपर कोई और टीम आकर अटैक कर देता है। और अब भाई करेंट टाइम सोनिया डेविल जोई स्टार्क और सेना बेजलर का भाई एक नया टीम बन चुका है। सोनिया डेविल का काफी टाइम से रिटर्न नहीं हो रहा था, पर भाई सोनिया डेविल फाइनली अपना रिटर्न कर चुके, पहले बैक स्टेज का काम किया करते थे। तो भाई करेंट टाइम एक नया टीम बन चुका है सोनिया डेविल जोई स्टार्क और सेना बेजलर का। बाद में जाकर भाई बैक स्टेज इनका इंटरव्यू भी देखने को मिलता है, जहां भाई ये सारा चीज को डिस्कस करते कि इनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर मतलब पूरा अपना डोमिनेंस दिखाना है। वैसे देन इसके बाद फाइनली हमें शो के मेन इवेंट के अंदर हमें डोमडोम रेम स्टोर जेलिना वेगा और हमारे लिम मॉर्गन का मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर भाई क्या कार्ड हुआ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई, इस मैच के अंदर हमें बहुत सारे मस्ती देखने को मिलता है। डोमडोम जो होते हैं भाई लिम मॉर्गन के टांग के बीच में यहां पर सो जाते हैं, मतलब बहुत सारे हमें मस्ती देखने को मिलता है। लास्ट में लिम मॉर्गन विन कर जाती है और डोमडोम विन कर जाते हैं, तो भाई दोनों सेलिब्रेशन करते हुए दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। पर जैसे ही इन दोनों के बीच में किस होने वाला था रिया रिप्ली का यहाँ पर म्यूजिक हिट हो जाता है, भाई रिया रिप्ली यहाँ पर आ जाती है। रिया रिप्ली भाई यहाँ पर आकर डोमडोम को कुछ बोले नहीं, डोमडोम समझाने का कोशिश करते हैं, पर भाई रिया रिप्ली वहां से सीधे चली जाती है। आप लोग भाई बस वेट करो भाई, आपको नेक्स्ट रॉक ऊपर आपको बहुत सारा कांड देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई आज चैनल के ऊपर बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो भाई सारे लोग वेट करो भाई, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूले। और साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से बात करें सारे लोग इस रॉक ऊपर आ सकते हैं।